यहां से क्या पाया, हमारे जिंदगी में क्या बदला, AWPL क्या है, AWPL में किस तरीके से काम करके आप अपने कैरियर को बदल सकते हैं, आप अपने फैमिली को, भविष्य को बदल सकते हैं, मैं कुछ मिनटों में आपके भी शेयर करूंगा। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि दोस्तों, जो भी मैं बातें करूंगा वो एक लॉजिक बातें करूंगा, अगर आप समझ जाते हो तो दोस्तों, जिस सोच के साथ आप यहां पर आए हो, मुझे नहीं लगता कोई उस टारगेट को, कोई उस लक्ष्य को पूरा करने से रोक सकता है। सबसे पहले आपको इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा। आज अगर हमारे देश की बात किया जाए दोस्त, तो हमारे देश का जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज के समय में वो क्या है? बेरोजगारी। हर कोई, आज डिग्री की बात किया जाए तो MBA, PhD और बड़े बड़े डिग्री की मार्केट में कोई कमी नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा, क्या डिग्री लेने से जॉब लग जाएंगे? हमारे पास हर साल ऐसा होता है हमारे देश में कि 80 लाख से 1 करोड़ युवा ऐसे होते हैं जो जॉब के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, more than 80 lakh to 1 crore। और अगर गवर्नमेंट इंप्लॉय की बात किया जाए हमारे देश में, तो हमारे देश में सबसे ज्यादा जो जॉब क्रिएट करती है वो इंडियन आर्मी करती है, लगभग 13 से 14 लाख। देन रेलवे 13 से 14 लाख वो भी करती, पोस्ट ऑफिस 4 से 4.5 लाख। यानी टोटल जॉब की अगर बात किया जाए तो टोटल जॉब ही 1 करोड़ के समथिंग है। और एक बात तो आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक व्यक्ति किसी जॉब में जाता है तो अगले 20 साल के लिए, अगले 30 साल के लिए उस जगह को वो फुलफिल कर देता, राइट या रॉन्ग? यानी 30 साल में इंडियन गवर्नमेंट 1 करोड़ जॉब प्रोवाइड करती है और हमारे देश को 1 साल में 1 करोड़ जॉब की रिक्वायरमेंट है। यानी 29 करोड़ जनता क्या होगा, पढ़ने के बाद भी बेरोजगार है। अब टीचर की अगर बात किया जाए तो एक स्कूल में 10 टीचर की जरूरत है, तो क्या 20 को भर्ती कर लेगा क्या? आप कितना भी जाके झंडा लीजिए, कितना भी जाके CM साहब के आवास के सामने नारा लगाइए, क्या 10 के जगह 20 टीचर का भर्ती हो सकता है? जिस फैक्ट्री में 20 इंजीनियर की जरूरत है, क्या 50 इंजीनियर को भर्ती किया जा सकता है? आप समझिए, यानी आज अगर दुनिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे युवा अगर बेरोजगार है तो हमारे देश में। तो दोस्तों, गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूं, इस बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया के पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो बेरोजगारी को खत्म कर सकता है। मैं भी जॉब में था, लेकिन दोस्तों, जब मैं 2003 में इंडियन आर्मी में गया तो अभी 10 साल के लिए उस पद को मैं फुलफिल किया, लेकिन दोस्तों उस समय मैं एक भी जॉब को क्रिएट नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग क्या है जो आपको समझना जरूरी है। आज से यहां पर आपके डायमंड आए, आज हरेंद्र जी आपके बीच आए, हरेंद्र सर की अगर बात किया जाए तो आज हरेंद्र सर के पास लाखों का नेटवर्क है, लेकिन दोस्तों आज हरेंद्र सर 15 लाख महीने का इनकम लेते हैं, 20 लाख महीने का इनकम लेते, मायने नहीं रखता, लेकिन मायने रखता है कि जो 15 लाख महीने का इनकम हरेंद्र सर लेते हैं, वही माध्यम, वही रोजगार हरेंद्र सर ने लाखों लोगों के लिए क्रिएट किया, इससे बड़ा समाज का कल्याण का काम कोई नहीं हो सकता दोस्त, ये गारंटी। मेरी बात समझ आ रही है? आज मैं कमाता हूँ यहाँ से 60 लाख, कोई मायने नहीं रखता कि शिव कुमार 60 लाख कमाता है, शिव कुमार पोर्चा मेंटेन करता है, मायने रखता है कि जो अपॉर्चुनिटी, जो बिजनेस आज से 7 साल पहले मुझे मिला था, हमें प्राउड है कि 20 लाख बेरोजगार युवा को हमारे माध्यम से वो बिजनेस मिला, वो अपॉर्चुनिटी मिला जो कि मुझे मिला। यानी दुनिया का इकलौता बिजनेस जो सिर्फ आपको
रोजगार नहीं देती, आपके साथ आने वाले लोगों को भी रोजगार देती है। और इकलौता बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग जो कि लोगों के लिए जॉब क्रिएट करती है, कि डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म के लिए और AWPL प्लेटफॉर्म के लिए जोरदार तालियां बजता है। दुनिया में इससे कोई खूबसूरत बिजनेस नहीं, दुनिया में इससे कोई खूबसूरत मॉडल नहीं है। यहां हर व्यक्ति करोड़पति बन सकता है, हर व्यक्ति अरबपति बन सकता है। आप किसी भी फील्ड में आप जाइए, वहां पर कंपटीशन है। किसी भी पद की बात किया जाए, वहां पर कंपटीशन है। चाहे नेता नगरी के फील्ड में जाइए, चाहे आप किसी फैक्ट्री में जाइए, चाहे आप स्कूल में जाइए, प्रिंसिपल की बात किया जाए तो एक ही रहेगा, दूसरा तो नहीं बन सकता है। सर मेरी बात समझ आ रही है? अगर किसी भी फील्ड में जाइए तो बहुत ज्यादा हेवी कॉम्पिटिशन है। लेकिन डियर फाइटर्स, डियर फ्रेंड, दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग AWPA, जहां पर कोई बंदिशें नहीं है। एक बंदा करोड़पति बने, 100 बने, 1000 बने, 10,000 बने, लाख बने, दुनिया का इकलौता बिजनेस। जहां हर बिजनेस में क्या होता है आप समझिए, हर बिजनेस में आपका सीनियर ये चाहेगा कि ये कितना भी काम करे लेकिन मेरे से नीचे रहे, मेरा वाला पद ना ले ले, राइट या रॉन्ग। लेकिन दुनिया का इकलौता बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग, जहां पर हर अपलाइन ये चाहता है कि मेरा डाउनलाइन स्टार सफार है तो डायमंड बने जिससे मैं ब्लू डायमंड बनूं, ब्लू डायमंड ये चाहता है कि मेरा डायमंड ब्लू डायमंड बने, मैं ब्लैक डायमंड बनूं। यानी हर सीनियर, हर अप्लाई कदम से कदम मिला के आपके साथ खड़े रहते हैं, दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉडल। लेकिन करने की क्या जरूरत? इतने अच्छे बिजनेस ज्वाइन करने के बावजूद, इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद, आप देख रहे हरिंदर सराय, कुमार मंगलम जी आए, जगदीश सराय, अनु शर्मा सर आपके बीच आए।